नमस्ते, लाली सोच के और एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हमारी सवारी आ जा रहे हैं हम लोग, वी ऑल सेट टू गो टू गोवा। हाँ, इट्स गोना बी 4 डेज ट्रिप। करेक्ट। एंड क्या है ना कि 15th August की एक परंपरा है हमारी, हम छोड़ते नहीं है। परंपरा है कि गोवा रहना चाहिए हमको 15th August को, तो वही परंपरा कायम रखते हुए करेक्ट। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यूल जिन जिन का है प्लीज कमेंट करके बताओ और किसका है फेवरेट डेस्टिनेशन गोवा का। यू डेफिनेटली लाइक टू नो दैट, है ना। तो हम लोग इस बार एक सोच रहे थे कि हमारा फॉर्मेट कैसा रहा है कि हम आपको हमारे डेस्टिनेशन के हाईलाइट्स बताते थे कि हम यहाँ गए, ये स्पॉट है एक्सेट्रा। इस बार हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं हम लोग ऐसा करेंगे कि आप हमारे साथ पूरा ट्रिप पे रहिए, चार दिन आप साथ में चलेंगे। हम जहाँ जहाँ गए, कहाँ रुके, व्हाट वी हैड एंड व्हाट वी सॉ, उसके साथ हम जो व्यूज है, जो उसका अगर कुछ हिस्ट्री है, वो सब मैं बताती जाऊँगी उसके साथ में। बट बी विद अस फॉर दिस 4 डेज। आई वॉन्ट टू सी हाउ दिस फॉर्मेट वर्क्स एंड डू टेल मी वेदर यू लाइक दिस न्यू फॉर्मेट। सो एज फार एज पॉसिबल, सो टुडे व्हाट आई एम शूटिंग नाउ आई विल पुट इट अप टुमारो, सो देयर विल बी नो गैप इन दैट ऑल्सो एंड वी विल बी कनेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑन अ लाइव बेसिस। So let's try that format for this trip and see how that works. I think our YouTube channel has to be innovative. Definitely. Correct. So हम लोग ये try करते हैं, आप बताइए आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो अभी बस बजे हैं ऑलमोस्ट 4:30 एंड हम लोग अभी बस निकल रहे हैं ऑन वे टू गोवा। As usual, on way, जैसे पूना हाईवे पे लग गए, ब्यूटिफुल बादल भी दिख रहे थे स्काई पे, वो थोड़ा कैप्चर किया। अदरवाइज़ यूजली हाईवे तो बहुत बार कैप्चर किया हुआ है हमने, तो उसको ज़्यादा, पर पूरा हाईवे के दोनों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है एंड उसके बैकग्राउंड में ये क्लाउड्स बहुत अच्छा लग रहा था, इसके लिए ये छोटा सा एक सीनरी कैप्चर किया हुआ है। हम निकले वो टाइम थोड़ा, तो उसके हिसाब से ट्रैफिक थोड़ा कम मिला, निकल गए, पहुंच गए हम हाईवे पे काफ़ी जल्दी और ये नज़ारा है हाईवे का। हमारा फर्स्ट हॉल्ट खालापुर फूड कोर्ट, उस समय भी ये रहा होगा अबाउट 6:30, उस समय भी काफ़ी क्राउडेड था बिकॉज एज यूजुअल आई थिंक लॉन्ग वीकेंड के हिसाब से काफ़ी लोग निकल रहे होंगे सिटी से, तो काफ़ी क्राउडेड था। खालापुर एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप इन आर जर्नी। सो इट वॉज क्वाइट ओके, द जर्नी वॉज क्वाइट ओके, लिटिल बिट ट्रैफिक अलॉन्ग द वे, बट इफ वी हैड लेफ्ट अ लिटिल बिट लेटर इट वुड हैव बीन वर्स आई एम श्योर। तो अभी रीजनेबल आए हैं, 6:30 तक आ गए हैं एंड ऑफकोर्स यहाँ पे ये स्टॉप है, कुछ वड़ा पाव खाए बगैर हम आगे जा नहीं सकते हैं यहाँ से। तो फ्रॉम वड़ा पाव, ये दीज आर सम थिंग्स जो हम लोग हर पिकनिक में खाते हैं। हम यहाँ पे रुकते हैं सिर्फ इसके लिए कि ये ले एंड ये नारियल पानी वाला सिंग ले। तो अभी हम लोग जैसे हम बता रहे थे कि ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है गोवा के रूट में, हम जो रूट लेने का सोच रहे थे, हम जो रूट ले रहे हैं इस बार कोल्हापुर का रूट ले रहे हैं। अबाउट 10 से 12 घंटे का रूट बता रहा है, पर हम कोल्हापुर पे रुकेंगे एंड वहाँ से स्टॉप ब्रेक लेके फिर आगे जाएंगे। सो दैट इज़ अ प्लान फॉर नाउ। अभी तक का तो ऑन शेड्यूल है,
आगे आगे रही हमारे साथ, देखते कैसे होता है। खालापुर से वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, घाट्स लगे हमारे पहले। बारिश के मौसम में ऑफ कोर्स घाट्स बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, एंड ऊपर के एक सेक्शन जहाँ पे नीचे का खपोली गांव दिखता है वो कैप्चर करने की कोशिश, एंड क्लाउड्स थ्रू आउट रहे, ऑल्दो बारिश नहीं हुई पर काफ़ी क्लाउडी रहा, एंड हम यहाँ पहुँचने तक भी काफ़ी डार्क होने लगा था, सो इट वॉज़ क्वाइट नाइस। ये घाट्स में थोड़ा ट्रैफिक मिला हमको एज़ यूजल, आई थिंक ये एक रूटीन ही हो गया है अभी घाट्स में, इट्स ऑलवेज क्राउडेड। वो कवर करके पूना हाईवे के थ्रू पास किए, वहाँ पे भी चांदनी चौक एंड अदर जगह पे काफ़ी ट्रैफिक मिला। वो सब पास करके हम ये पहुँचे हैं कतरज टनल। पूरे घाट सेक्शन को उन्होंने ये टनल से कवर किया है, इसके लिए खास करके स्पेशल मेंशन फॉर कतरज टनल एज इट्स रियली एन इंजीनियरिंग मार्वल। We passed all that and this is the place we stopped for dinner. Nothing great to write home about, हमने photos भी नहीं लिए, but this was the place and वहाँ से एकदम खुला आसमान, वहाँ पर चाँद दिख रहा था तो वो capture किया हमने basically, phone पर जैसे capture हो रहा था, पर quite good I think. खम्बाट की खाना वगैरह खा के वी कंटिन्यूड आर जर्नी। दिस इज़ द नेक्स्ट घाट दैट वी हैड टू पास थ्रू, दिस इज आई बिलीव दिस इज नोन एज द खम्बाटकी घाट, एंड दिस ऑल्सो इज यूजली मूविंग ट्रैफिक, वी नेवर गेट स्टक अवर हियर, एंड वी यूजली ट्रैवल्स दिस ड्यूरिंग द नाइट, सो या दीज आर सम विजुअल्स फ्रॉम द सेकेंड घाट दैट वी पास थ्रू। It was getting pretty late by the time we were able to reach these places, and hence we just revisited our plan, and जैसे हम पहले सोच रहे थे कि कोल्हापुर तक drive करेंगे, हमने वो change करके सातारा stop करने का हमने सोचा, and वहाँ पर the Fern में हमने booking किया। ये हम पहुँचे हैं hotel the Fern में पहुँच गए, ये चालू हो गया है। Mean you want to say something? Yeah. ये होटल का फॉयर है, हम बस चेक इन वगैरह कर रहे थे। नाइस प्लेस, नाइस कूल रिसेप्शन, इको फ्रेंडली होटल है, जैसे आप जानते हैं ये जो फर्न है कि इको फ्रेंडली होटल है, तो उसके सारे इसमें दिख रहे थे, डेकोरेशन एंड लॉबी बहुत ही अच्छा था। हम चेक इन वगैरह करके गए रूम में, एंड बिल्कुल क्रैश आउट हो गए थे। अगले दिन सुबह 7 बजे तक, 7 बजे निकले हम। आज के दिन से लास्ट ईयर ऑगस्ट 15 से हमें नमस्ते का
और चलेंगे गोवा। हम पहुंचने के पहले ही जहाँ पे आपको बीचेस वगैरह मिलेगा हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल रात को भी एक्चुअली सब लोग मतलब सबका थॉट था कि आगे चले पर कंफर्टेबल दिस टाइम अच्छी हो गई है। अच्छी हो गई है। दोशा वड़ा विठल विठल कामत सबका फेमस स्टॉप रहता है यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत भीड़ थी, गाड़ियाँ दिख रही है बहुत सारी, अंदर भी मैड हाउस है बट हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं आए ना। हाँ हम लोग रुके थे वहाँ से 18-20 किलोमीटर 20 किलोमीटर मैक्स आए हैं। हमारी अच्छे से नाश्ता पानी हो गया एंड नाउ वी कंटिन्यूइंग टू सातारा से आगे के जर्नी में अप टू कराड़ और राधा कोल्हापुर तक काफ़ी रोड में काम चल रहा है, ब्रिज का काम चल रहा है तो काफ़ी स्लो वहाँ पे भी। आई थिंक वी लॉस्ट अबाउट 2 hours ऑफ अ देयर इन द ट्रैफिक। पर उसके बाद कोल्हापुर के बाद वो निपानी रोड बताया हमको गूगल ने और हम वो रोड फॉलो करके आगे बढ़ते गए। बहुत ही सुंदर रोड था वो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। रोलिंग फील्ड्स ऑफ ग्रीनरी, चारों तरफ ऐसे ग्रीनरी से घिरे हुए थे हम लोग। ब्यूटीफुल वाटर बॉडीज, एनिमल्स खड़े होके वहाँ पे चल रहे, गाय भैंस बकरी एंड पीसफुल। मतलब हमारे जैसे आँखों में वो ग्रीनरी भर के जैसे हमारा मन नहीं भर रहा था। इट वॉज़ लाइक दैट, वेरी ब्यूटिफुल सीनरी। हमारा अगला स्टॉप था ये विराट जंक्शन जो कुगनोली टोल प्लाज़ा के थोड़े आगे है मुंबई बैंगलोर के हाईवे पे। बहुत ही ब्यूटीफुल सर्विस सेंटर है, बहुत ही अच्छा, वॉशरूम्स बहुत क्लीन, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस, ऑल ब्रांडेड फूड, आई मीन जो फूड चेन्स होते हैं सब है, वेरी हाइजीनिक वेरी क्लीन। मतलब हाईवे पे ऐसे सर्विस सेंटर्स और भी खुले तो इट विल मेक अ रोड जर्नी रियली रियली प्लेजेंट। वहाँ पे एक्चुअली हम लोग मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई TVS मोटर्स का कोई फंक्शन चल रहा था। मतलब जितने TVS मोटर्स बाइसिकल मोटरसाइकिल ओनर्स थे वो लोग सब जमा होके एक परेड कर रहे थे इन कोल्हापुर सिटी, तो उसका प्रेजेंटेशन एंड अदर थिंग्स चल रहा था वहाँ पे। तो बहुत लाउड म्यूज़िक चालू था एंड वो सब जमा हो रहे थे लोग वहाँ पे एंड एक गो कार्टिंग का ट्रैक था वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बाहर तो काफ़ी शोर था बट दैट फूड कोर्ट एंड दैट एंटायर प्लेस वॉज रियली नाइस एंड वहाँ पे वी ऑल्सो सॉ कि कुछ गेम्स वगैरह का भी, गेम जोन वगैरह भी है। एक बहुत ही अच्छा प्लेस है टू स्पेंड एन इवनिंग और टू स्पेंड एन आफ्टरनून अवर देयर। कल का दिन तो थोड़ा अलग था क्योंकि वो फंक्शन के वजह से काफ़ी शोर था, अदरवाइज आई एम श्योर इट विल बी अ गुड प्लेस एंड ऑफकोर्स एक ट्रैवलर के लिए तो जन्नत ही है ये जगह। एवरीवेयर ये इंडिपेंडेंस डे के थीम्स के डेकोरेशंस थे, ये रेस्टोरेंट के बाहर का डेकोरेशन है ये बहुत साउथ इंडियन तरीके से किया हुआ। एंड नेक्स्ट इज आपको एक और एक बात बताती हूँ, बाजू में देयर वाज दिस डिलीवरी काउंटर, वहाँ पे उन्होंने देखे ये ऐसे रखा हुआ था मिल्क शेक का एक ग्लास तिरंगा के शेक। एंड ये बाहर के ये जमा हैं बाइकर्स वगैरह, दे वर प्रैक्टिसिंग, वी वर एबल टू कैप्चर दैट क्योंकि वो गो कार्ट काफ़ी एक्सेसिबल था, उनका प्रैक्टिस सेशंस चालू थे वहाँ पे।
वी कंटिन्यूड ऑन अ जर्नी फ्रॉम देयर. हम लोग निकले और वही निपानी रोड होते हुए वी मेड अ वे टूवर्ड्स गोवा. वो ब्यूटीफुल सीनरी कंटिन्यू किया, बहुत सुंदर गाने लगाए थे हमने क्लासिकल, हिंदी क्लासिकल सॉन्ग सुनते हुए ये ब्यूटीफुल नज़ारे को हमारे आँखों में भरते हुए हमने ये जर्नी तय किया. रास्ते में रुके हम लोग, ये काफ़ी सारे फॉरेस्ट, निपानी फॉरेस्ट रेंज वगैरह से भी हम लोग गए, तो वही फॉरेस्ट में ही एक जगह रुक के हम लोगों ने लंच वगैरह किया. लंच बेसिकली वही मिसल पाव, ऐसे कुछ छोटा सा स्नैक्स विद टी वगैरह करके हम लोगों ने कंटिन्यू किया हमारा जर्नी. मतलब इसमें इतना शूट किया हमने बिकॉज नज़ारे ही इतने ब्यूटीफुल थे कि कैमरा नीचे रखने का मन ही नहीं कर रहा था. पर हम सब नहीं बता रहे थे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी दिख रहा था हम लोगों ने उतना ही इसमें से शेयर करूँगी, नहीं तो ये वीडियो विल गो ऑन टू आस टुगेदर बिकॉज द रूट, द एंटायर रूट वॉज ब्यूटीफुल. मतलब क्या कैप्चर करे, क्या कैप्चर नहीं करे, क्या दिखाए क्या नहीं दिखाए, ऐसे कन्फ्यूजन में थे हम लोग लिटरली. सो दीज आर अ फ्यू ग्लिम्सेस ऑफ दैट ब्यूटीफुल ट्रैवल. रास्ते में हम लोग स्टिल ऑन वे हैं गोवा, अम्बोली घाट पे हैं. बहुत भीड़ दिखी एक जगह, हम लोग रुके और ये नज़ारा है वहाँ का. स्टनिंग, स्टनिंग इज नॉट द वर्ड. पूरे हिल्स हैं, या पूरे हिल्स हैं यहाँ पे. क्लाउड्स उतरे हुए हैं पूरा एंड लश ग्रीनरी. मतलब हर शेड ऑफ ग्रीन दिखाई दे रहा है. पता नहीं वीडियो कितना कैप्चर कर पाता है वो, but I really don't know how much the video is able to capture this, but it is awesome. Matlab we just can't get enough of it. It's absolutely beautiful. Amboli ghat, wow. और थोड़ा आगे गए तो देर वॉज अ ब्यूटिफुल वाटरफॉल एंड बहुत ही क्राउड, बहुत क्राउड था वहाँ पे. लोग ऐसे गाड़ियाँ पार्क कर कर के जमा हो गए थे पूरा वहाँ पे. एंड यहाँ पे ये मालशेज घाट के जैसे ही दिखता है ये जगह, जो महाराष्ट्र में जो मालशेज घाट है वैसे ही लगता है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं ऊपर चढ़ने के लिए. आपको अभी दिखेगा आगे जहाँ पे भी ये हाई वाटरफॉल्स हैं वहाँ पे आयरन स्टेप्स है ऊपर चढ़ने के लिए, एंड यू कैन गो अप एंड एन्जॉय द वाटरफॉल, वैसे वाले हैं. तो वहाँ पे भी बहुत क्राउड थे, बहुत सारे लोग उसके आजू बाजू खड़े थे एंड दे वर क्लाइंबिंग अप एंड सो वी डिडंट स्टॉप ओवर देयर, पर वी जस्ट कैप्चर. देखा आपने वो ब्रिज, वो स्टेप्स, वैसे वाले स्टेप्स हैं सब जगह. वाटरफॉल जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी, बाकी जगह पे इतने भीड़ तो हमने देखा नहीं. इस पर्टिकुलर वाटरफॉल में मैक्सिमम लोग जमा हुए थे. ये देखिए, यू कैन सी दैट काइंड ऑफ स्टेप्स, वो पूरा ऊपर तक जाता है एंड यू कैन सी द वाटरफॉल. Absolutely beautiful sight.
वी कुडंट स्टॉप द कार मच ओवर देयर, पर हमने रियली वो साइट को एंजॉय किया. और ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिखाई दे रहे थे. अम्बोली घाट उतर के ये हम पहुँचे हैं गोवा. फाइनली वी एंटर्ड गोवा ओवर देयर. एंड गोवा एंट्री करते ही ये मल्टीपल ब्रिजेस का लैंड है, एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज को कनेक्ट करते हुए हमको पहुंचना था नॉर्थ गोवा. एंड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी ऑन दिस ब्रिज एंड अल्टीमेटली रीच देयर. दिस इज द आइकॉनिक न्यू ब्रिज दैट हैज बीन बिल्ट. दिस शुड गिव यू अ प्रॉपर फील कि हम गोवा पहुंचे हैं. हमारा जो हमने एयरबीएनबी बुक किया हुआ था तो है थोड़ा आगे नॉर्थ गोवा में है ये प्रॉपर्टी. तो वी कंटिन्यूड इन गूगल ने हमें इंटरनल रोड से ले जाके हमको पहुंचा दिया डेस्टिनेशन पे. अराउंड 8 PM हो गया था. वहाँ पहुँचते हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया. But as promised, we will continue this series tomorrow and we will show you more glimpses from Goa. Until then, bye!